मैं हूं ताहिरा फुरकान फ्रॉम ट्रेडिशनल केक्स। आज हम बना रहे हैं एक अलग सही केक जो मैंने कभी बनाया नहीं इस कलर कम्बिनेशन में, या आप कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा। तो इसकी डिटेल कुछ मैं आपको बताती चलूं। ये है बेसिकली 2.5 पाउंड का हाफ वे टू वन वाला केक, और इसका बनाने का तरीका मैंने कुछ इस तरीके से रखा कि मैंने इसको 8 इंच पैन में बेक किया, और उसके बाद मैंने पूरे केक का क्रम कोट किया और फिर उसको सेंटर से कट करके दो अलग अलग बोर्ड्स के ऊपर डिवाइड कर दिया, ताकि जब मुझे प्लास्टर करना हो तो मेरे पास पूरा हाफ केक दो साइड्स में मौजूद हो, और उसके बाद हम इसको एक ही केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर का क्रम कोटेड हाफ केक मौजूद है। हाफ केक दूसरे बोर्ड पे रखा हुआ है मैंने, तो मैं इसको पिंक कलर के प्लास्टर करी क्योंकि बेबी का हाफ बर्थडे है। तो दूसरी डिमांड अब आप सुन लें कि ये थोड़ी सी मुझे अलग लगी। क्लाइंट ने कहा कि मेरे पास, मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची की जो हाफ वाला केक है दो में स्प्लिट हो रहा है, एक पिंक कलर का बनाए और दूसरा ब्लू कलर का। तो मैंने थोड़ी सी हैरानी जाहिर की, मैंने कहा कि अगर बेबी गर्ल है तो पिंक के साथ वाइट करवा लें, पिंक के साथ पिंक भी करवा लें, या पिंक के साथ पर्पल करवा लें, एटलीस्ट गर्लिश थीम तो एक होनी चाहिए ना। तो मुझे बेसिकली ऑर्डर प्लेस किया था बच्ची की फूफो ने, और उन्होंने कहा था कि मेरा भी कुछ यही कॉन्सेप्ट है कि यही कलर थीम होनी चाहिए, लेकिन जो बच्ची की मदर हैं वो चाहती थी कि नहीं, पिंक के साथ ब्लू ही होना चाहिए। तो खैर, क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, हमने उनकी बात को सराहा और उसी बात को फोकस करते हुए मैंने आधा केक पिंक कर दिया और आधा मैंने ब्लू किया। तो वैसे तो कलर कम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट था कि पता नहीं बनने के बाद कैसा लगेगा, बट इन दी एंड लुक्स अच्छे ही आए। क्लाइंट हैप्पी तो हम हैप्पी। अब मेरे पास ये दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया था कि हाफ़ वाला केक जो मेरे दूसरे बोर्ड पे रखा हुआ है, ये मैंने उस बोर्ड पे रखा है जिस पे मुझे केक देना है। ये 12 इंच का बोर्ड है, क्योंकि ये वैसे तो 8 इंच का केक था, लेकिन जब ये स्प्लिट होके खुला तो इसको मज़ीद स्पेस चाहिए था बोर्ड पर, तो मैं ये 10 इंच पर रख नहीं सकती थी, तो इसीलिए मैंने इसको 12 इंच के बोर्ड पर रखा ताकि इसमें स्पेस ईज़िली आ सके। तो यहाँ पे दूसरा केक मैंने उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लू कलर का प्लास्टर किया है, और इसको नीट करना तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब शायद हमने इतने ज़्यादा हाफ वे टू वन वाले केक्स बनाए नहीं, या हाफ केक को प्लास्टर नहीं किया इतना ज़्यादा। तो मुझे पर्सनली राउंड केक को जितना आसान लगता है प्लास्टर करना, उतना ही मुझे मुश्किल लगता है ये हाफ़ वाले केक को प्लास्टर करना। इसमें पैचेस भी रह जाते हैं, इसमें फ्लॉज भी आते हैं, इसमें क्रम कोट भी नज़र आता है क्योंकि इसके एजेस इतने ज़्यादा होते हैं। फिर भी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको प्रॉपरली फाइन प्लास्टर करूं। केक क्लाइंट ने जो मुझे दिखाया वो बिल्कुल प्लेन था, उसके ऊपर बहुत थोड़े से टॉपर्स थे, लेकिन मुझे वो फ्लॉज छुपाने थे, तो उसके लिए फिर मैंने इसमें मज़ीद थोड़े से टॉपर्स ऐड किए। अब आप देख सकते हैं कि दूसरा केक भी रेडी है और ये पिंक वाला प्लास्टर वाला भी रेडी है। अब मैं इन दोनों को एक बोर्ड पे शिफ्ट कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे इसी बोर्ड पे करना था। अब बारी है टॉपर्स अटैचमेंट की, तो वो आपको पता है कि हाफ़ वे टू वन बच्चा 6 महीने से 1 साल की तरफ रवा दवा है, तो उसके लिए हमने सीढ़ी भी बना दी। ये था बेबी गर्ल के लिए, तो ये एक मैंने डिस्क अटैच की है जिस पर मैं बेबी गर्ल का एक टॉपर रखूँगी। बहुत ही क्यूट सा ये बेबी गर्ल टॉपर है। अच्छा, यहाँ मैंने 1 का बड़ा टॉपर रखा है क्योंकि ये वाला पोर्शन बिल्कुल प्लेन है, और यहाँ पे मैंने हाफ का छोटा कटर से कट करके निकाले हैं, छोटे कटर से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी 2 टॉपर्स मौजूद थे, तो इसमें अगर मैं इतने बड़े टॉपर्स लगाती तो ये नज़र नहीं आते बल्कि केक के बाहर चले जाते। तो ये दोनों साइड पे टॉपर्स हो गए। अब जो मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि क्लाइंट के टॉपर्स सिर्फ यही 3 थे, लेकिन मुझे केक में कहीं ना कहीं लग रहा था कि क्रम कोट नज़र आ रहा है या प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने ये स्टार्स लगाए। इन दी एंड फिर ये बॉर्डर बनाना था, तो बॉर्डर से ये होता है कि केक थोड़ा सा भरा भरा लगता है और एक फिनिश लाइन आ जाती है। स्पेशली हाफ वाले केक्स में तो फिनिश लाइन बनाना बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, ताकि जो भी अनइवन लुक्स हैं वो कंप्लीट हो सकें। तो पिंक की साइड पे मैंने पिंक बॉर्डर बनाया और ब्लू की साइड पे मैंने ब्लू बॉर्डर बनाया। इसी तरीके से टॉप पर मैंने थोड़ा चौड़ा बॉर्डर बनाया है, और जो बॉटम है उसमें मैंने बारीक नोज़ल से बॉर्डर बनाया है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारा ये केक ऑलमोस्ट रेडी है, और जो बच्ची का नाम था वो मैंने कोशिश की कि पिंक और ब्लू के साथ कंबाइन करूं, लेकिन वो कुछ कलर बैठ नहीं रहा था, तो फिर मैंने इसको हल्का सा पर्पलिश का टच दे दिया। पिंक भी इसमें आ रहा है, इसमें हल्का सा ब्लू भी आ रहा है, और जहाँ थोड़ी फाउंडेंट मिक्स हो गई वो पर्पल के शेड में चली गई।
तो उम्मीद है आपको मेरा ये केक पसंद आएगा, हाफ़ वे टू वन वाला, और क्लाइंट को भी उम्मीद है पसंद आएगा क्योंकि उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग पिंक एंड ब्लू का कम्बिनेशन रखा है हमने। आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये एक अनोखा और यूनिक कलर कम्बिनेशन का केक आप लोगों को कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना भी याद रखिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।